कि जब जुल्फे गिरा के वो पलके झुकाती थी, सांसें तो चलती थी पर जान निकल जाती थी, उंगलियां भी तो फोन पे रुक रुक के चलती थी, कि उंगलियां भी तो फोन पे रुक रुक के चलती थी, रात को जब मैडम बैठ के हमें मैसेज किया करती थी। पर आज मेरे पास उसकी यादों का बस खजाना है, क्योंकि एक तरफ हमारी मोहब्बत है तो एक तरफ उनका बहाना है। तो ये कुछ लाइंस उस गद्दार दोस्त अकेली अंधेरी रात में, उस अकेली अंधेरी रात में तन्हा लम्हा बिताना मुश्किल सा हो जाता है। आंखों से आंसू इतने बहते कि मानो अगर अंबर से भी पानी बरसे ना तो वो भी उस वक्त कम ही लगे। उसके साथ बिताए हुए वो सभी लम्हे, वो यादें, वो बातें आंखों के हर पहर चल रहे होते हैं। वक्त की सुई भी मानो उस वक्त वहीं पर थम सी जाती है, जैसे हाथों से सब कुछ फिसलने सा लग जाता है, पर फिर भी अगले ही दिन इस दुनिया को एक हंसता हुआ चेहरा दिखाना नहीं भूलते वो आशिक भी ना। कितना डेरिंग होता है कि टूटे हुए दिल के सहारे ही सही अगर कोई तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए ना, तो फिर से हम अपने दिल को प्यार करने से रोक नहीं पाते। हम फिर से प्यार करने लग जाते, एक नई जिंदगी में मशरूफ हो से जाते हैं, शायद फिर से खुश होने लग जाते हैं, पर फिर भी ना कहीं ना कहीं दिल के किसी ना किसी कोने से उस पहले प्यार को कभी दिल से नहीं भुला पाते वो आशिक भी ना। कितना डेयरिंग होता है। इश्क के मशहूर हूँ मैं, चाहता था किससे इश्क के मशहूर हूँ, किसे करना था बस यहाँ गुजारा, पागल वो तो गांव में है फिर ये किसने, वो तो गांव में है फिर ये किसने, उसकी आवाज में हमें पुकारा पागल, उसकी आवाज में हमें पुकारा पागल, अब तो जहन तक से पागल हो गया है कान्हा, अब तो जहन तक से पागल हो गया है कान्हा, अब तो क्या ही बनाओगे तुम हमारा।